अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइट मसाला किचन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ज़बरदस्त रेमेडी। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए, ये देखिए, कबाब चीनी इसको बोलते हैं और इसको पिपली भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। उसके साथ मैंने लिए हैं बादाम, ये देखें तादाद में 7 अदद हमने बादाम लिए। इसकी तादाद आपने कम या ज़्यादा नहीं करनी, 7 ही अदद इसमें बादाम जाएंगे, ठीक है। इसके साथ हमने लिए हैं 3 अदद छोटी इलायची हैं, ये इसको हमने क्रश कर लिया है। उसके साथ हमने लिए 1 चम्मच सौंफ का, और इसके साथ हमने लिए हैं काली मिर्च, ये भी देखें तादाद में 7 अदद हैं, ठीक है, आपको पता लग रहा होगा। उसके साथ हमने लिए मुलट्ठी के 3 अदद पीस, 2-2 इंच के हैं ये, ठीक है, ये भी आपको पंसारी की दुकान से बहुत आसानी से मिल जाएगी। और उसके साथ हमने लिए सोजने के पत्ते, तकरीबन 1 चम्मच बनेगा ये, ये भी बहुत मुफीद होते हैं इसमें। और अब हम जो इसका हम बनाने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे साथ रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। मज़े मज़े की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इसका क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ, हमारे साथ रहें। अच्छा दोस्तों, 1 लीटर के करीब हमने पानी लिया है, चूल्हा हमारा ऑन है और इसका हम बनाने लगे हैं कावा। कावा जो हम बना रहे हैं वो मैदे के अमराज के लिए है, जिनको मैदे का अल्सर है, जिन लोगों को खाने में उनको तकलीफ़ होती है, खाना खाते उनके मैदे में दर्द हो जाता है। ये हम सारा जो मटेरियल है हमारा इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका आपने कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा, बस इसको हमने पकाना है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त कावा तैयार होगा ये, और बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको तकरीबन हमने 1 लीटर पानी लिया है तो ये हाफ रह जाएगा, इतना इसको हमने पकाना है। ये हम पका लें फिर आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये देखें नाजरीन, कावा हमारा तैयार है, पानी देखें हमारा हाफ रह गया है। अब इसको हमने ठंडा करके यूज़ करना है, गर्म हमने कभी भी नहीं पीना, क्योंकि ये हम नज़ले ज़ुकाम के लिए हमने तैयार नहीं किया, ये हमारा हमने मैदे के लिए तैयार किया है। तो मैदे को हमारे जो है वो ठंडक की ज़रूरत होती है, तो इसको हम पहले ठंडा कर लें। फाइनल लुक को मिस मत कीजिएगा, हमारे साथ रहें, इसे हम ठंडा कर लें फिर आपके इसकी शेप दिखाते हैं। ये देखें नाजिन, कावा हमारा ठंडा हो चुका है बिल्कुल, इसको छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डिश आउट करने लगे। ये सिर्फ इतनी तादाद में आपने इसको पीना है, हाफ गिलास, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। मैदे के दर्द के लिए, मैदे में ज़ख़म है, अल्सर है, कुछ भी है, खाना हज़म नहीं होता आपको, यह मतली रहती है, मैदे के तमाम अमराज के लिए हमने कावा तैयार किया है। बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है ये, आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह यानी कि सिर्फ सुबह और एक शाम, एक दिन में, 2 दिन में आप इसे यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तमाम तकलीफ दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के हुक्म से दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।